हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मोमोज़ की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने होंगे। टमाटर में हम बीच में कुछ इस तरह से कट लगा देंगे, जिससे इसको उबालने के बाद हमें इसके छिलका उतारने में आसानी हो। हमने 3 से 4 ये लाल मिर्च लेना है। हमने ये 4 लाल सूखी मिर्च ली हुई हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो आप उतना इस्तेमाल करो। हमें इन टमाटरों को अच्छे से वॉश करके एक पैन में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें चारों टमाटर और लाल मिर्च को बॉयल कर लेना है। चलिए देख लेते हैं कि चटनी बनाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चटनी बनाने के लिए हमें 5 से 6 कली लहसुन को हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और 1 चम्मच करीब कुकिंग ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, ये 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच चीनी, नमक, 1 चम्मच हमें टमाटो सॉस और 1/2 चम्मच हमें सोया सॉस लेना है। बीच बीच में हम अपने टमाटरों को चेक करते रहेंगे कि टमाटर पके या नहीं। टमाटर पकने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अब हमारे टमाटर पक चुके हैं। टमाटर पक जाने की यही पहचान रहती है कि ये इसमें जो स्किन रहती है, इसका जो छिलका रहता है, वो अलग होने लगता है। तो समझिए कि हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब इन्हें हम एक छन्नी की मदद से इसका पानी निकाल लेंगे। इसका पानी हम आवश्यकता पड़ने पर हम उससे चटनी बनाने के काम में ला सकते हैं। ये देखिए, हमने इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इन टमाटर और लाल मिर्च को हमें पूरी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद हमें पीसना है। ठंडा करके ही पीसे, अदरवाइज़ आपकी मिक्सी का जार ख़राब हो सकता है। टमाटर और लाल मिर्च को हमने पीस लिया है। अब हम एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम हो जाए फिर उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, उसमें धुआं निकलने लगे, फिर हम उसमें ये कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा फ्लेवर आने तक हमें इसे भूनना है, क्योंकि चटनी में लहसुन का ही फ्लेवर ज़्यादा होता है। लहसुन भून चुका है। अब इसमें हमने ये जो लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनाया था, उसे भी अब हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमको मीडियम टू हाई रखना है, लो नहीं रखना है। और हमारे जार में भी थोड़ा सा पानी डालकर उसका पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे, सोया सॉस भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। टमाटो सॉस भी अब हमें इसमें डाल देना है। अब हमें अपनी चटनी को चलाते रहना है, कॉन्टिन्यूसली हमें इसे चलाना है। आप अपनी चटनी को जल्दी से गाढ़ा करने के लिए आप उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिक्स करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। उससे चटनी बहुत जल्दी थिक हो जाती है, बहुत जल्दी उसकी कुकिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। अब हमने ये जो शुगर लिया हुआ था उसको भी अब हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। हमारी चटनी लगभग बनके तैयार है। ये इसमें देखिए बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब चटनी बिल्कुल तैयार होने की प्रोसेस पे है। और वैसे भी चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो बस हमें इससे इतना ही पकाना है। अपनी चटनी को एक अच्छा कलर देने के लिए आप इसमें चुटकी भर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अब हम मिक्स कर देंगे। बस अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ठंडी होने के बाद हमारी चटनी का टेक्सचर कुछ ऐसा है। हमारी चटनी इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।